क्या हुआ, एक और साल गुजर गया, कहानी वही है, दिसंबर फिर उदास है। अरे नहीं यार, महीने, साल, तारीखें कब उदास होती है? उदासी तो हम में और तुम में है, कितने ही दुख होते हैं 365 दिन के, जो तुम दिसंबर के सपर्द कर देते हो। किसी को प्यारों के बिछड़ जाने का दुख, किसी की माँ मिट्टी में सो गई, किसी का बाप का साया छिन गया, कहीं किसी की मोहब्बत बिछड़ गई तो किसी का इम्तिहान पास ना हुआ, किसी के ख्वाब टूट गए तो किसी का दिल तोड़ दिया और किसी ने अपना तोड़वा लिया। कोई डिग्री लेकर नौकरी के इंतज़ार में घर वालों की बातें सुन रहा है, तो कोई नौकरी मिलने के बाद घर वालों से शादी पर लड़ रहा है। किसी की जवान बेटी को घर बैठे एक और साल हो गया, तो कहीं किसी को कम उम्र की शादी का दुख है। किसी को मोहब्बत भुलाने के लिए मुल्क से बाहर जाना है, तो कोई बाहर जाकर पीछे बैठी मोहब्बत भूल गया है। कोई नाजुक लड़की पत्थर हो गई है, तो कहीं पत्थर लड़का मोम की तरह ढह गया है। कहीं कोई अमीर ज़्यादा मोहब्बत के नाम पे डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, तो कहीं बाप की उम्मीद बेटी दुख छुपाने के लिए रोज़ हंसती है। कहीं कोई माँ का लाडला शाम भर नहर किनारे यूनिवर्सिटी की मोहब्बत को याद करता है, तो कहीं कोई बाप की शहजादी जिद में नापसंदीदा रिश्तों के आने पर रोज सज जाती है। कोई घर से दूर नया घर बनाने के ख्वाब सजा रहा है, तो कोई बसे बसाए घर उजाड़ रहा है। कहीं कोई शौक लड़का बुझ गया, तो कहीं कोई लड़की खुद को मशरूफ रखने के लिए दुनियादारी हो गई। कहीं कोई बूढ़ा रोज़ कब्र के पास बैठकर अपनी बूढ़ी मोहब्बत से बातें करता है, तो कहीं कोई बूढ़ी आंखें शौहर की जुदाई में रोज़ छुप के बरसती है। किसी को खुशियां मिली नया साल हो रहा है, तो किसी को किसी से बिछड़े हुए एक और साल डूब रहा है। और पता नहीं कितने ही दुख है जो हम सब दिसंबर के नाम कर नए साल में जाते हैं। ये ड्रामा तो नहीं जिसकी आखिरी किस्त में सब बिछड़ों ने मिल जाना है, बेहसों को एहसास हो जाना है और तुम्हारी मर्जी के अंजाम लिख दिए जाने हैं। बस साल बदलते रहने हैं, कहानियाँ और किरदार बदलते रहने हैं और सफ़र चलते रहने हैं।